सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन की। और थ्योरी ऑफ मशीन में जो मैंने आज टॉपिक चूज किया है वो है आपका न्यूमेरिकल। तो आज हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो डेरिवेशन है मैं ऑलरेडी जो है उसके ऊपर पहले ये वीडियो बना चुका हूँ, और आज हम उस डेरिवेशन के बिहाव पे जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैंने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल लिया है, एक सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल लिया है, और उस न्यूमेरिकल की कुछ जो लैंग्वेज है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्पर गियर हैं, और जो हमारा स्पर गियर ए है और जो स्पर गियर बी है, दोनों के जो है हमको टीथ गिवन है, और जो हमारी आर्म है वो जो है आपका 100 आरपीएम पे जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो है हम अगर गियर ए को फिक्स कर दें तो गियर बी जो है उसके आरपीएम क्या होंगे, पहले हमको ये कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन में मैंने लिया है कि अगर हम गियर ए की जो है रोटेशन को जो है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें और उसके आरपीएम हमको दिए हुए हैं, तो जो हमारा गियर बी है उसके आरपीएम कितने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो पहले जो है मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है टू स्पर गियर ए एंड बी ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैव 20 एंड 40 टीथ रेस्पेक्टिवली। द आर्म रोटेट्स एट 100 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द स्पीड ऑफ गियर बी एंड इट ऑन एक्सिस व्हेन द गियर ए इज फिक्स्ड। तो इसमें कहा है कि हमारी जो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसमें जो है दो गियर हमको दो स्पर गियर दिए हुए हैं, एक स्पर गियर हमारा ए है और दूसरा हमारा जो स्पर गियर है वो हमारा बी है। जो हमारा स्पर गियर ए है उसके जो नंबर ऑफ टीथ है वो 20 है, और जो हमारा स्पर गियर बी है उसके जो नंबर ऑफ टीथ है वो आपका 40 दिए हुए हैं, ठीक है। और जो आर्म है वो हमारी 100 आरपीएम पर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ गियर बी ऑन इट्स ऑन एक्सिस व्हेन द गियर ए इज फिक्स्ड। तो कह रहा है कि अगर हमारा गियर ए फिक्स्ड है तो हमारा जो गियर बी है उसकी जो स्पीड क्या होगी। तो पहली कंडीशन तो हमको ये सॉल्व करनी है। दूसरी कंडीशन दी है इफ इंस्टीड ऑफ बीइंग फिक्स्ड द व्हील ए रोटेट एट 300 आरपीएम इन द काउंटर क्लॉकवाइज व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी। दूसरा कह रहा है कि अगर हम गियर ए को जो है 300 आरपीएम पे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो जो हमारा गियर बी है उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम जो है इसका जो है डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन ले लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो हमारा जो गियर ए है उसके नंबर ऑफ टीथ जो है 20 है, वो छोटा होगा, और जो हमारा गियर बी है उसकी जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो है 40, ठीक है। टीथ जो है मैश कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और ये हमारी आर्म है। तो ये हमारा गियर ए हो गया, ये हमारा स्पर गियर बी हो गया, ठीक है। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, कंडीशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ मोशन की टेबल अगर हम बना लें और हम लिख लेते हैं जो हमारा गियर है उसकी जो टीथ हैं वो हमको दिए हुए हैं 20, और जो हमारा गियर बी है उसकी जो टीथ हैं वो दिए हमको 40, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें पहली जो टेबल बनेगी बनेगी कंडीशन ऑफ मोशन की, कंडीशन ऑफ मोशन। दूसरा हम बना लेंगे आर्म की। तीसरा जो हम बनाएंगे जो हमारा गियर है ए की, उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट जो बनेगी हमारी कॉलम वो बनेगी गियर बी की, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन हमारी रहेगी अगर आर्म को फिक्स कर दिया जाए, आर्म फिक्स्ड ए इज गिवन प्लस वन रिवॉल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आर्म जी हमारी आर्म है, अगर आर्म को हम फिक्स कर दें तो उस कंडीशन में क्या रहा है कि जो ए है उसकी जो रिवॉल्यूशन है वन रिवॉल्यूशन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और उसको हम प्लस वन लेंगे तो आर्म की तो जीरो हो गई रोटेशन जो फिक्स है, और हमारा गियर ए है क्लॉकवाइज है उसकी हमने ले ली प्लस वन रिवॉल्यूशन, और जो हमारा गियर बी है उसका होगा हमारा माइनस, हमारा होगा उसमें टी ए बटे में आपका टी बी, ठीक है। ये कब है, जो हमारी जो आर्म है वो फिक्स होगी, ठीक है, लिख देता हूं ये हमारी आर्म है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो आर्म है वो फिक्स्ड है, आर्म जो है वो फिक्स्ड है, इज गिवन प्लस एक्स रिवॉल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर भी देखें तो हमारा जो आर्म है वो तो फिक्स ही है, और जो रिवॉल्यूशन जो आया हमारा इसमें वो आया आपका प्लस आपका एक्स, लेकिन यहां पर हम जाएंगे गियर बी पे क्या होगा उसका माइनस में आएगा, माइनस क्योंकि उसकी जो रिवॉल्यूशन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस एक्स टी ए बटे में आपका टी बी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है एड वाई टू ऑल एलिमेंट टोटल मोशन, मतलब अगर सब कुछ फ्री हो इसमें, अगर हम सारे मोशन को कंसिडर करें तो उस कंडीशन में आर्म जो होगा, आर्म का जो मोशन होगा वो हमारा क्या होगा वाई होगा, और यहां पर जो हमारा गियर पे ए पे बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें एक्स प्लस वाई, और जो हमारा गियर बी पे आएगा वो आएगा वाई माइनस एक्स आपका टी ए बटे में आपका टी बी, ठीक है। एक्चुअल में इस टेबल को जो है मैंने अपने डेरिवेशन में भी समझाया है, मैंने जो है जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो डेरिवेशन है मैंने उसके उसके ऊपर अलग से एक वीडियो और डाली हुई है जिसमें मैंने इस टेबल को जो अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है तो आप जो है पहले जो मेरी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो मैंने डेरिवेशन डाली है उसकी जो वीडियो मैंने डाली हुई है तो उस वीडियो को वॉच करें, जिससे कि फिर आपको इस न्यूमेरिकल को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस टेबल के बिहाफ पे जो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए तो सबसे पहली बात यह है कि हमको जो है आर्म की जो है स्पीड दे रखी है, क्योंकि इसमें लिखा था आर्म रोटेट एट 100 आरपीएम, कहा है ना क्वेश्चन में हमको कि आर्म जो है रोटेट करिए 100 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा जो आर्म अगर रोटेट कर रही है तो हमारा वाई बराबर क्या हो गया 100, इसमें ये वाली कंडीशन लगेगी क्योंकि आर्म रोटेट कर रही है, तो वाई इक्वल टू आपका क्या हुआ इसमें 100 आ जाएगा। ठीक है, और हम आप सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेंगे, गेयर ए इज फिक्स्ड, जो गेयर ए है वो क्या है हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो गेयर ए हमारा फिक्स्ड है तो उसमें क्या होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसमें जो है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई की वैल्यू हो जाएगी आपका 100। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आर्म जो हमारी रोटेट कर रही थी वो 100 आरपीएम पर रोटेट कर रही थी, तो वाई बराबर हमारा 100 आ गया। हमने फिर पहली कंडीशन ले ली कि हमारा जो गियर ए है वो हमारा फिक्स है, तो इस कंडीशन हमारा जो होगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू जीरो, तो एक्स इजिकल टू माइनस वाई, तो एक्स इजिकल टू माइनस का हमारा 100 आ गया यहाँ से निकाल के। अब हमको निकालिए स्पीड ऑफ द गियर बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, स्पीड ऑफ गियर बी। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है तो एन बी इज इक्वल टू, यहां हम देखेंगे हमको सूत्र दिया हुआ है वाई माइनस के एक्स टी ए बटे में आपका टी बी। तो अगर हम वाई को देखें तो वाई तो हमको दिया हुआ था 100। ठीक है, ठीक है, और x जो था वह है माइनस 100, तो माइनस का 100, और आपका जो t है वो है आपका 20 बटे में आपका जो है 40 t था। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा इसमें, इसको यहां ले लेते हैं, तो 100 प्लस आपका 100 और ये आपका 20 बटे में आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 200 और इंटू में आपका 20 बटे में आपका 40, तो अगर इसको काट दें तो आ जाएगा आपका एक या दो, तो यह आएगा 200 इंटू में आपका 1/2, तो दो से जो है ये कटेगा आपका, तो आएगा आपका 100 आरपीएम। ठीक है, कितना आएगा 100 आरपीएम ही आएगा आपका और क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, क्लियर, 100 आरपीएम आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अब हम लेते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कहता है कि व्हेन ए रोटेट एट 300 आरपीएम, ठीक है, रोटेट एट 300 आरपीएम, ठीक है, और साथ में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सिंपल इसी फॉर्मूला लगेगा, गियर ए में अगर हम देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 300 ये बनेगा, तो अगर हम y को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू माइनस के 300, तो माइनस के y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 300 और y की जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी आपकी 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है,
तो निकालेंगे स्पीड ऑफ गियर बी, तो एन बी इज इक्वल टू फिर वाई माइनस के एक्स, टी ए बटे में आपका टी बी, तो जो वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास तो 100 ही है, माइनस माइनस में आपका एक्स की वैल्यू जो आई है 400, ये भी वैल्यू आपका यहाँ पुट कर देंगे इसमें तो ये आ गई, और टी आपका 20 बटे में आपका 40, तो हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 400 आपका 20 40, तो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू में आपका 20 बटे में आपका 40, तो आपका यहाँ एक यहाँ आएगा दो, अगर दो से अगर मैं इसको काटू तो आएगा आपका 250, तो y इजिकल टू आएगा आपका 250 rpm, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आएगी इसकी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जब हमारा अगर आर्म रोटेट कर रहा है और गियर ए हमारा फिक्स है और हम उस कंडीशन में जो हमें गियर ए की जो स्पीड निकाल गियर बी की स्पीड निकालनी है कि जब हमारा आर्म जो है 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है और हमारा गियर ए जो है हमारा फिक्स है तो हमारे गियर बी की स्पीड क्या होगी, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे, तो उसमें हमारी जो गियर बी की स्पीड आएगी वो 100 आरपीएम आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि हमारा अगर हमारा गियर ए है अगर वो 300 आरपीएम पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो गियर भी है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारी स्पीड आएगी वो 250 आरपीएम आएगी और जो डायरेक्शन है वो उसकी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है अगर हमको जो है गियर ए और गियर बी के टीथ दिए हुए हैं और हमको जो है आर्म की रोटेशन दी हुई है और अगर हम गियर ए को जो है अगर हम फिक्स करते हैं तो गियर बी की जो आरपीएम है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, और दूसरा अगर हम गियर ए की जो है रोटेशन को जो है एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो उस कंडीशन में गियर बी की आरपीएम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप सो आपको जो है जो सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, ओके थैंक यू, बाय बाय।